आपने अपने पहले लॉस का जिक्र किया जी, सबसे पहला प्रॉफिट क्या हुआ था, जब हुआ था उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? हसन साहब, जो पहला मेरा प्रॉफिट था ना, वो उसी लॉस में ही था। बेसिकली प्राइस जो है ना, वो 8-9 लाख इंक्रीज हो चुके हुए थे, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ 2-3 डेज के अंदर ही मुझे 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इसलिए मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ इस मामले के अंदर। लेकिन वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका जो प्राइस थी वो 8-10 लाख रुपया थी। तो डैट्स वाई वो जो लॉस था वो बियर किया गया मेरे दोस्तों ने, मुझे उन्होंने मेरे से डॉज किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल फाइन हूँ। अब मैं खुद हर चीज़ रिसर्च करता हूँ, इवन के मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, अपने जो अजीज़ कारोब हैं जो मुझसे पूछते हैं, आके मुझसे मशवरा करते हैं, उनको मैं ये रेकमेंड करता हूँ, पहले आप अपनी रिसर्च रखें, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा के लिए आपके लिए एक सवाल निशान बन जाएगा कि क्या मैं, काश मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करता। या आप ये कहते हैं यार मुझे उस दोस्त ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, उसने मुझे ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब आप कॉन्फिडेंट होकर खुद फैसला करेंगे, उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि, बल्कि आपने एक अच्छी चीज़ ऐड की कि पहले तो आओ पाओ जिधर देखा लोग बिजनेस कर लेते थे। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया रिसर्च का। आप क्या समझते हैं कि जब लोग रिसर्च करके आते हैं, स्टडी करके आते हैं, एरिया विजिट करके आते हैं, तो उनसे डील करना या उनको समझाना समझना पहले के नस्बत ज़्यादा आसान नहीं होता? हसन, बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने। ये समझ लें कि मेरी कंपनी का राज भी है और मेरे बिजनेस का एक राजों में से एक राज है जो आज आपने क्वेश्चन कर लिया है। वो ये है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, जब मैं क्लाइंट को विज़िट करवाता हूँ, विज़िट करवाने के बाद, साइट विज़िट करवाने के बाद जब मैप के सामने आता हूँ, उनको मैं गाइड करता हूँ, तो मेरी समझ लीजिए कि 80% या 90% जो है मेरा काम हल हो जाता है उस वक्त। अच्छा सर, ये बताएं सफ़ा मार्केटिंग इस वक्त किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस टाइम कैपिटल स्मार्टी मेरा पेरेंट प्रोजेक्ट है, और डे वन से मेरी जो उस हादसे के बाद मेरा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी वो कैपिटल स्मार्टी में थी, और तब से अब तक कैपिटल स्मार्टी में काम कर रहा हूँ। नाउ हम लाहौर स्मार्टी भी और कैपिटल स्मार्टी नियर बाई इस्लामाबाद, हम दोनों को मैं इसको डील कर रहा हूँ। एज ए बिजनेस पार्टनर मैं कैपिटल स्मार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी इनायत है कि मैं आज इस काबिल हुआ हूँ, और ये उनके ही सर जाता है तमाम जितनी भी जो है कामयाबी के जो है सर चश्मे, वो मैं समझता हूँ मेरे लिए कैपिटल स्मार्टी मैनेजमेंट। मतलब लाहौर और इस्लामाबाद के एरियाज में आप काम कर रहे हैं जी। सर मुझे ये बताएं कि क्या रियल एस्टेट के बिजनेस में यूथ के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए फ्यूचर है? क्योंकि देखने में आया है कि नो डाउट के इस बिजनेस ने लोगों को अर्श तक ले गए हैं, फर्श से उठा के इज्जत भी दी, लोगों ने प्लाजे बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नो डाउट के पैसा बेतहा आया। आने वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज लेके आते हैं, रोड पे मारे मारे फिरते हैं, आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में उनको आना चाहिए? सर आपने मेरे दिल की बात कह दी। एक्चुअली मैं खुद एंटरप्रेन्योर पे काम कर रहा हूँ, मैं तमाम पढ़े लिखे लोगों को रेकमेंड करता हूँ। उसकी रीज़न ये भी है कि मैं खुद एमफिल किया हुआ मैंने, और एमफिल के बाद मैंने एक वेल एजुकेटेड जो होने के बाद, मैंने एक अच्छी डिग्री के बाद, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम गलत डायरेक्शन पर जा रहे हो, तुम डीलर बनने जा रहे हो, तुम अच्छी जगह पर नौकरी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, तुम आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो। इवन के मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, बट मैंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं रियल एस्टेट को एक ऐसा रंग दूँ, ऐसा शेप दूँ कि लोगों को पता चले, जिस तरह ये कंसेप्ट बना हुआ है कि डीलर का वर्ड यूज़ करते हैं लोग और उसको एक बड़ा नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। मैंने उसको चेंज किया, मैंने प्रॉपर अपनी कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड किया, SEC पे रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने FBR में इसको ऑन किया, एक्टिव करने के बाद मैंने इस चीज़ को आगाज़ किया, ताकि जो भी शख्स मेरे पास आए उसको ये कन्फर्म हो, सेटिस्फेक्शन हो कि किसी इदारे में जाया जा रहा है, किसी कंपनी में जाया जा रहा है, यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा। मेरा प्रॉपर ऑडिट होता है मेरा हर साल का, प्रॉपर मेरी फाइल्स जो रिटर्न्स होती हैं, हर तरह से अपडेट रखा हुआ है मैंने अपनी कंपनी को। और इसी वजह से मैंने अपनी जितने भी नौजवान दोस्त अहबाब हैं मेरी, अक्सर वीडियोस भी आ रही हैं, मैंने उस पर भी रेकमेंड किया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अशद ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर। रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं हमें फल नहीं मिलता, ये वाहद ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह की ज़ात उतना नवाजेगी आपको। आपने सही कहा, जिस तरह
पाकिस्तान में एक मोटर मैकेनिक को या इलेक्ट्रिशियन को हम एक अजीब से नाम से मिस्त्री या मैकेनिक के नाम से बुलाते हैं, लेकिन वही शख्स अगर फॉरेन में हो तो वो उसको इंजीनियर कॉल्ड करते हैं। यही डिफरेंस मुझे लगा आपने बताया कि एक डीलर में और एडवाइज़र में। मेरे ख्याल में एक प्रॉपर्टी वाला जो है वो एक एडवाइज़र ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको डीलर कह के क्या उसकी ऑनरशिप या उसकी डिग्निटी को माइनस नहीं किया जाता? बिल्कुल ऐसा होता है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। जब पढ़ लिखे लोग आ रहे हैं हम एज एडवाइज़र ही कंसिडर किए जा रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं। मैं अपनी जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ। इवन के ऐसे बेशुमार लोग आते हैं, अगर वो टिपिकल डीलर के पास चले जाएँ तो वो उनके ज़रूर उनको नुकसान करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, हमारी कंपनी के पास आते हैं, हमारे मैनेजमेंट से डिस्कशन होती है, तो हम उनको वो रिकमेंड करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो। मेरे नज़दीक मेरी टीम के अंदर सबसे पहले बाय माई सेल्फ मैं अगले बंदे की बेनिफिट देखता हूँ, मैं अपना बेनिफिट बाद में देखता हूँ। इसलिए मुझे खौफ नहीं होता यार, इसको मैं अगर ये बताता तो मुझे इतना पैसा मिल सकता था, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचता। मैं इससे पहले ये सोचता हूँ कि अगला बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है या जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है उसको किस चीज़ में बेनिफिट है। अगर उसको बेनिफिट होगा तो कल वो कहीं दो जगह बैठ के मेरी वो तारीफ करेगा, ताकि और इस रियल स्टेट को भी बेनिफिट मिले, तारीफ करेगा ताकि इस रियल स्टेट को और बूस्ट मिले, इस रियल स्टेट में और लोग पार्टिसिपेट करें, उनका विन क्लियर हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर कुछ नौजवान मेल फीमेल बच्चे बच्चियाँ आपके पास आना चाहें, कुछ सीखना चाहें, आपसे एडवाइस लेना चाहें, आपका कोई ऐसा प्लान है कि लोगों को प्रॉपर रूट मैप दिया जाए, उनको गाइड किया जाए, उसके बाद चाहे वो आपके साथ या सफा मार्केटिंग के साथ कंटिन्यू करें या जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई ऐसी थॉट है आपकी? जी बिल्कुल, मेरे इस टेन्योर के अंदर मेरी कंपनी को एस्टैब्लिश 2019 से एस्टैब्लिश है, और मेरी जो पार्टिसिपेशन हुई थी 2018 में हुई थी, और तब से ऑनवर्ड मेरे पास काफ़ी लोग आए जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनको मैंने सिखाया, आज वो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। तो मैं इंटर्नशिप भी देख कई भी जो है ऑफर करते हैं आप? मैं इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहा हूँ, इसमें कई लोगों को मैंने इंटर्नशिप उनको लेटर दिया है, वो उनका कंसेप्ट था हमें जॉब करनी है, जब वो यहाँ से मूव किया तो उनको अच्छी जॉब भी मिली। तो माशाल्लाह, और बहुत से बेशुमार लोग हैं जो बिज़नेस की तरफ ही गए हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी रन की है, जो आज मेरे साथ कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ लोग एज ए इन्वेस्टर बन चुके हैं, और हम लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं एज ए टीम। तो उनका फीडबैक क्या आता है, वो आपकी बताई हुई गाइडलाइंस पे चलते हैं या वो मार्केट की जुबान चलते हैं? जब तक मेरा कंपनी का नेम अगर उनके नाम के साथ मुंसलिक है, उसमें मैं फिर उनको हर तरह से रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आपको मैं गाइड करूँगा वैसे आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी लिमिटेशन आ जाती हैं, आपकी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे उनको आगाह करता रहता हूँ। जब वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अगर फर्दर जाते हैं, तो वो अगर मेरी बातों को कंसिडर करते रहेंगे तो वो उनके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन उस टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होती क्योंकि वो अपना सेटअप खुद वो रन कर रहे होते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ऐसे अदारे के साथ मुंसलिक हों, ज़रूरी नहीं कि आप सफा मार्केटिंग के साथ आएँ, आप किसी भी अदारे के साथ मुंसलिक हों जहाँ पर आपको फील हो कि यहाँ पर बात मत अदारा है, इनके साथ काम करते हुए आपकी भी नशनुमा होगी और उस अदारे के भी होगी, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें और दिलो जहां से काम करें ताकि अदारे को और आपके दरमियान रिलेशन को मजबूत से मजबूत चला जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने कमर इस्लाम साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए, बहुत पुर उम्मीद है कि इस बिज़नेस में जहां एक दौर में बहुत ज़्यादा मनफी तासुरात पाए जाते थे उसको मस्बत किस तरह किया जा सकता है। इन्होंने आने वाली यूथ को भी मैसेज दिया कि वो आएँ, सीखें, पढ़े लिखे हैं तो इस बिज़नेस को अच्छी तरह हैंडल आउट करें। हम दुआगो हैं इनके लिए, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।